हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बॉयफ्रेंड के बारे में जो कि जमाने के आगे कतई नहीं झुकता है, जो जमाने को अपने आगे झुकने पे मजबूर कर देता है। इसमें बहुत दम खम होता है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि आपको ऐसे बॉयफ्रेंड के बारे में बताना जो कभी भी, ठीक है, जो कभी भी प्यार में फेल नहीं हो सकता है। ठीक है, इनका प्यार 100% सियोरिटी के साथ कहा जाता है, 110% गारंटी है कि इनका प्यार सक्सेस होता है। ऐसे लड़के जो होते हैं वो अपने प्यार को सफल बना ही देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको टिप्स दूंगा, जो बातें बताऊंगा, ये बहुत टॉप की बातें हैं। देखिए, पहली जो बात है ऐसे बॉयफ्रेंड की वो है नॉट रेडी टू डिस्ट्रॉय सोशल वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए, सोशल वैल्यूज क्या है इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, थोड़ा क्लियर करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि आज के समय में क्या है कि ज़्यादातर जो लड़के हैं या ज़्यादातर जो प्यार करने वाले हैं उनमें यही है, ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर मतलब कि सब कुछ हमारे खिलाफ है तो हमें मिलना तो है तो किसी न किसी तरीके से मिलेंगे, हम चाहे हमें भागना पड़े, चाहे कोर्ट मैरिज करना पड़े, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है, एग्री नहीं करता है, मतलब उसके लिए सोशल वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं और अपना प्यार दोनों इंपॉर्टेंट होता है। सोशल वैल्यूज मतलब सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें जिसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सबको जो लेकर चलता है। देखो वो क्या है कि इन सबको लेकर वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि अब यहाँ पे देखिए एक फैक्ट ये भी है कि हमें लगता है कि चलो हम समाज से अलग हटके हम जो है कानून का सहारा लेकर हम एक तरीके से एक हो गए तो यहाँ पे हमारा प्यार सक्सेस हो जाएगा। ये सही नहीं है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आप प्यार में फेल हो गए। यहाँ पे जीत तो समाज की हुई ना, जीत तो उन रीति रिवाजों की हुई जो आपके सामने खड़ी थी, आप उनसे डर के भाग के किनारे हो गए ना, तो उनसे अगर डट के मुकाबला करते तो आपकी जीत मानी जाती ना। तो जो डट के मुकाबला करने वालों में से होते हैं वो ऐसे बॉयफ्रेंड होते हैं जिनके आगे जमाना झुकने पे मजबूर होता है। तो ये है पहला फैक्ट। दूसरा जो फैक्ट है वो है एवरीथिंग विद प्लानिंग। अब यहाँ पे ये समझना, जो मतलब जमाने के आगे नहीं झुकने वाले बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो हर एक चीज़ प्लानिंग के थ्रू करते हैं क्योंकि उनको पता है कि प्यार में हम कौन सा ऐसा स्टेप उठाएंगे जिससे कि हम और हमारा पार्टनर क्लोज आएंगे, हमारे बीच की दूरियां मिटेंगी, समाज को मुंहतोड़ जवाब देने के लायक बन पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात उनके माइंड में होती है कि ताकतवर बनो तब दुनिया तुमसे कुछ नहीं छीन पाएगी, तो वो खुद को मजबूत करने के लिए जुट जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या करना है हमें फ्यूचर में, कौन सा कदम उठाना चाहिए, क्या हमारे पास एक अच्छी जॉब अगर नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक जॉब चाहिए, पैसे वाला बनना है तो पैसा चाहिए, सारी चीज़ें वो एक प्लानिंग के थ्रू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो सारा काम प्लानिंग से होता है, विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ मैच करिए कि आप में है, या लड़कियाँ मैच करें क्या ये आपके बॉयफ्रेंड में है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट फैक्ट की। तो जो लास्ट फैक्ट है वो है डू एनीथिंग बाय हार्ट, ठीक है, नॉट ब्रेन। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब कि जो जमाने के आगे नहीं झुकते हैं लड़के, वो क्या है कि सारी चीज़ें हार्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, मतलब हार्ट से जो आवाज़ आती है ना उसके थ्रू करते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि प्यार के मामले ब्रेन से नहीं चलते हैं, प्यार के मामले दिल से चलते हैं। जो इंसान ब्रेन का इस्तेमाल करेगा वो ये सारी चीज़ें करेगा ही नहीं, जमाने के आगे झुक जाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये मतलब कि क्या है यार, मतलब कि शादी तो होनी ही है, तो इससे करो उससे करो किसी से करो क्या फ़र्क पड़ता है, या फैमिली को नाराज़ कर देंगे तो इससे भी ये भी अच्छा नहीं है, तो वो एग्री कर लेते हैं, फैमिली की बातों में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हार्ट से काम लेगा ना वो कहेगा यार फैमिली को भी लेके चलना है, प्यार को भी लेके चलना, दोनों चीज़ें चाहिए, तो बैलेंस्ड कैसे होगा इस पे काम करेगा। तो हार्ट के थ्रू जो काम करते हैं, हार्ट से जो आवाज़ आती है उसके थ्रू जो काम करने वाले बंदे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें एक तरीके से अजीब गरीब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक तरीके से पावर होती है। क्योंकि ब्रेन हमारा, आज के ही वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ब्रेन हमारा 5000 गुना कम काम करता है हार्ट के। ठीक है, इसमें कम इतनी पावर होती है, हार्ट में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तीन फैक्ट, ठीक है, मैंने तीन फैक्ट आपको बताए हैं, तीन फैक्ट जिस भी लड़के के अंदर है
वो लड़का जमाने के आगे कभी नहीं झुकेगा, समाज के आगे कभी नहीं झुकेगा, रीति रिवाज की बेड़ियों में कभी बंधना नहीं पसंद करेगा, बंधेगा भी नहीं, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। ये तीन चीज़ें अगर है उसमें तो मैच करिएगा आप लोग। तो एंड में बस इतना कहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है जिसको शेयर करने में आपको नहीं हिचकना चाहिए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल मत जाना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और उपयोगी वीडियोज आने वाली हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी आपके डाउट क्वेरीज क्वेश्चन वगैरह हो लिखेगा, ताकि अपकमिंग वीडियो के लिए वहां से नए टॉपिक पिक किया जा सके। एंड में अगर आपने अभी तक मेरे को लव इंटरसिटी फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके उसको फॉलो करिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल करिए और उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए लव इंटरसिटी @CM4, वहाँ पर लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।